मंदिर का द्वार और अंदर जहाँ दिख रहा है वहाँ तक मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सुशांत भाई की फोटो श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ रख रखी है भीमशिला पे। पहाड़ों में चलते चलते पहाड़ों में समा जाते हैं, तो कृपया करिए भाई प्लीज मत बैठो भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय शंकर भगवान, जय बद्री विशाल। तो ये आपका चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका यतीश वेदी। तो भाई केदारनाथ, गुड मॉर्निंग केदारनाथ, ये मेरी ड्रीम मॉर्निंग है भाई। और सच में स्वर्ग से आवार है, ऊपर बर्फ गिरी हुई है और मैं दिखाता हूँ आपको जन्नत का द्वार। और भाई वीडियो अच्छी लगी, आप भी अच्छा लगे तो भाई पसंद करना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बर्फ गिरी हुई है भाई ऊपर बाबा के दरबार के ऊपर, और ये रहा बाबा का दरबार। लाइन देख सकते हो आप, कितनी लंबी लाइन है। केदार बाबा के मंदिर के साइड का व्यू, बर्फ गिरी हुई है, ठंड हो रही है भाई बहुत, लेकिन मजा आ रहा है काफी। फाइनली भाई बाबा के दर्शन हो चुके हैं और शानदार दर्शन हुए हैं, मजा आ गया भाई। आप दर्शन कर सकते हो केदार बाबा की, और ऊपर है भीमशिला। सब डूब रहा था ना, हाँ, तभी इन्होंने इनको बचाया है। अच्छा, ठीक है, अच्छी ठीक। ये भाई भीमशिला, जब आपदा आई थी तो भीमशिला ने सब बचाया था यहाँ पे। ये है भाई भीमशिला, हाँ जाओ। और पहाड़ों में बसते हमारे महादेव, खूबसूरती देखिए आप उथाइकन भीमशिला पे। और ट्रू लेजेंड जिसे बोलते हैं, सुशांत भाई की फोटो श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ रख रखी है भीमशिला पे। आई मिस यू एसएसआर भाई, आपदा आई थी जब भीमशिला ने केदार मंदिर, केदारनाथ के बाबा के मंदिर को सुरक्षित किया था। और अब भीमशिला के दर्शन करते हुए हम चलते हैं नीचे केदार बाबा के मंदिर, दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। ये हैं वो बाबा जो आपको यूट्यूब इंस्टा सब पे दिखे होंगे। मंदिर का द्वार और अंदर जहाँ दिख रहा है वहाँ तक मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये है नंदी माता, भाई बारिश आ चुकी है केदारनाथ मंदिर में फिलहाल, और अब हम चलते हैं दर्शन करके नीचे अपना होम टाउन। तो पहले तो बहुत कम लाइन थी, अब तो लाइन बढ़ गई है और कितनी आगे चली गई है, कितनी आगे चली गई आप लाइन देख सकते हो। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ही लाइन चली गई है, हमने बिल्कुल ठीक टाइम पे दर्शन कर लिए और बारिश और आने लग गई। गाइस भाई फाइनली चल पड़े हम अपने आगे के लिए, और ये लास्ट व्यू है महादेव बोले बाबा। अगर चाहेंगे तो फिर आएंगे, फिर दर्शन करेंगे, फिर आपको व्यू देंगे। और ड्रीम था मेरा केदारनाथ का, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, और जन्नत है, सच में जन्नत है। कहते जन्नत सेवा आती है यहाँ से, लेकिन यहाँ बारिश आ रही है, मज़ा आ रहा है भाई। और बाबा बोले बुलाते रहना, मैं आता रहूँगा। जय शिव शंभू भाई। बारिश धीरे धीरे आ रही है और ऊपर बर्फ पड़ गया है, बिल्कुल कवर हो गया है बर्फ से वो। वाह बोले बाबा आपकी माया। ये देखो भाई जाते जाते हेलीकॉप्टर कितने पास है। आजा, मने करी थी बुकिंग तेरी, मालिक ने भूल गया अपने। अड़ा अड़ा हेलो, चल जा फिर। अच्छा लैंड करवा दिया। तो भाई हेलीपैड पे है फिलहाल, और यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग का नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ से जो टूरिस्ट उतरेंगे, श्रद्धालु उतरेंगे, वो हम सब के साथ वहीं
यहाँ से लाइन जाके वो आगे हम सब के साथ ही ज्वाइन हो जाते हैं और फिर बाबा के दर्शन करते हैं। और भाई आपको घोड़ों खच्चरों और इन पिट्ठू से तो बेस्ट है आप हेलीकॉप्टर लो, पहले बुकिंग कराओ और वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि 10,000, 9,000, 2,700, 2,800 इतने ले रहे हैं अगर, और हेलीकॉप्टर में बैठोगे तो और भी बढ़िया है ना। देखो वो हेलीकॉप्टर भी आ गया, एक आवाज़ सुन रहे हो? तो भाई यही हेलीपैड है, यहाँ से आप उतर के जा सकते हो, ये बेस कैंप है भाई, यहाँ से आप नीचे जाने के लिए घोड़ा बुक कर सकते हैं, लेकिन हम पैदल जाएंगे तो आप भीड़ देखो कितनी हो रखी है। अब देख लो भाई, जो मर गया भगवान की आत्मा शांति देवर, लोग जो 20-20 साल के बैठे रहे इन पर। अरे भाई ना बैठो, अपना हिस्सा है, हेलीकॉप्टर में जाओ या पैदल जाओ या माँ बैठी या ठीक है, तो ये पाप ना करो भाई अपना। बाबा सब ने हिम्मत दे है और अपना हिम्मत जय बाबा ही कहकर चलते रहो, हर हर महादेव कहकर चलते रहो भाई। चलते चलते भाई एक और मिला है, भगवान इनकी भी आत्मा को शांति दे। और यार वहाँ जगह बना रहे हैं पहाड़ों में, चलते चलते पहाड़ों में समा जाते हैं, तो कृपया करके भाई प्लीज़ मत बैठो भाई ना, वो मत बैठो प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है यार। एक और ये तड़प रहा भाई, देखो मतलब हद हो रखी है यार। सबसे पहले व्यू देखो भाई, और भाई केदारनाथ यात्रा होती है यहाँ कंप्लीट। फिर मिलेंगे भाई आपको किसी नए टॉपिक को लेके किसी नई वीडियो में। और भाई सबसे ज़रूरी बात, मेरा एक सुझाव है गवर्नमेंट को, अगर मतलब मैं होता कोई नहीं हूँ, बाकी सुझाव देने का सबको है भाई, मतलब घोड़ों के खच्चर होगा ना रास्ता अलग होना चाहिए, क्योंकि देखो यही मलमूत्र हो रहा है। और क्या नाम है वो घोड़े आपस में, मतलब आदमी मतलब जो चल रहे हैं उनके आने जाने की जगह नहीं बच रही, धक्के लग रहे हैं, पैर फिसल रहे, गिर रहे हैं, फिर बंदा शॉर्टकट ले रहा है तो फिर शॉर्टकट से गिर रहा है, तो मतलब इसलिए ये खच्चर घोड़ों की वो रास्ता अलग होना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी आप क्या सोचते हो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। और भाई अगर आपको दर्शन करने में मज़ा आया हो और व्यू अच्छा लगा हो, केदारनाथ बाबा की यात्रा अच्छी लगी हो, तो भाई इस व्लॉग को वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय शंकर भगवान, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ भगवान, जय तुम बाबा।